नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। जिला अधिकारी प्रयागराज श्री भानुचंद गोस्वामी ने संगम सभागार में अमृत ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अमृत ऐप कोविड-19 संक्रमण को सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक और एक शक्तिशाली माध्यम साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमृत ऐप कोरोना कंट्रोल रूम के लिए सीधे तौर पर संदिग्ध कोरोना मरीजों पर नजर रखने का वरदान बन सकता है तथा अनजाने में संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने में प्रशासन के लिए यह ऐप सहायक हो सकता है। कोविड-19 जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन की डिजाइन इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत अमृत ऐप को डिजाइन किया गया है एवं अन्य प्रकार के संक्रमण रोगों और महामारियों के लिए भी इस एप्लीकेशन को आगे भविष्य में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस ऐप में रोगी के मोबाइल से सीधे QR कोड को स्कैन करने और प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने की सुविधा है, जो मैनुअल रूप से विवरण दर्ज करने की तुलना में समय की बचत करेगा। हालांकि मैनुअल प्रवेश विकल्प भी है। प्रशासन ऐसे संदिग्ध कोरोना रोगियों को आसानी से ट्रैक कर सकता है और परीक्षण किया जा सकता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसके अतिरिक्त ऐप को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सुविधा के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है, जहां वे आसानी से बिना किसी देरी के संदिग्ध कोरोना रोगियों के बारे में जानकारी भेज सकते हैं। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।